दिवाली की रात थी, खुशियों का उजाला, मिट्टी के दियों की जलती लौ से हर घर हर आंगन रोशन था। लेकिन उस दिवाली की रात एक अरबपति घराने में वही मिट्टी का दिया मौत बनकर ऐसा जला कि परिवार के कई चिराग बुझ गए। घर के अंदर मंदिर में जलते दिए से लगी आग ने ऐसा तांडव किया कि तीन जिंदगियां धुआं हो गई। रोशनी के त्योहार में बेटे बहू और नौकरानी की मौत से एक कारोबारी घराने में काला अंधेरा छा गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आंचल दुबे। एक घर में लगी भीषण आग और उस आग में उठते धुएं के गुबार में फंस करके एक ही परिवार में एक साथ तीन मौतें कानपुर शहर के एक बड़े उद्योगपति घराने में दिवाली की रात हुई। अगली सुबह पुलिस और उस परिवार के रिश्तेदार ने घटना को लेकर के मीडिया को क्या बताया, पहले उसे सुनते हैं। थाना काकादेव के अंतर्गत पांडु नगर मोहल्ले में संजय श्याम दासानी बिजनेसमैन थे जी जी। वो अपने पत्नी और एक मेड के साथ वो रहते थे। रात्रि में वो लगभग उनके यहाँ 2-2.5 बजे पूजा हुई। मंदिर में जो दीपक रखा हुआ था, उस दीपक के कारण जो है आग लगी, जो पर्दे पकड़ी और ये लोग सो रहे थे, ये लोग निकल नहीं पाए और इनको जब उसको सूचना मिली वहाँ पर गए, वहाँ से ले आकर के उनको एमरजेंसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और यहाँ पर उनके तीनों लोगों की मृत्यु हो गई है। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की। सर, क्या आग लगने का कारण दीपक बताया जा रहा है? मौके पर फायर ब्रिगेड वगैरह पहुँची थी? हाँ, जब जैसी सूचना मिली फायर ब्रिगेड के द्वारा ही इन लोगों को निकाला गया था और आग बुझाई गई। भैया, कल रात में जो है संजय श्याम दासानी जी के यहाँ दिवाली का पूजन था। दिवाली का पूजन करके सब परिवार, सभी लोग जो है दिवाली का त्यौहार मना के और अपने अपने कमरे में जा कर के सो गए। सुबह मंदिर के दिए से जो है घर में आग लग गई, तो जिसका धुआं भरने की वजह से ऐसा संभवता संजय भैया, उनकी मिसेस कनिका जी और घर की जो एक घरेलू कर्मचारी थी, तीनों का निधन हो गया। आग में झुलसकर तीनों मौतों की ये दर्दनाक घटना उसी रईस खानदान में घटी जिस खानदान की एक बिगड़ी हुई औलाद ने आज से 10 साल पहले अपनी मासूम पत्नी की हत्या को एक षड्यंत्र के तहत अंजाम दिया था। जी हां, यह हादसा उसी ज्योति हत्याकांड के दोषी पीयूष श्याम दासानी के घर पर हुआ, जिसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर के अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा था। इस हत्याकांड में पीयूष और उसकी गर्लफ्रेंड मनीषा मखीजा को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। उस हत्याकांड के 10 साल बाद आज भी कहने वाले कहते हैं कि पीयूष और मनीषा के पापों की सजा आज भी उनका खानदान भुगत रहा है। रामदसानी परिवार है पांडवनगर के पास, उनका परिवार है। रात में शायद जो मेरे को जानकारी हुई है, पूजा के बाद घर में दिया रखा हुआ था मंदिर में, तो दिए से क्या नाम है, शायद पर्दे में आग लगी है। उसके बाद ये लोग सो रहे थे, जो कनिका और श्याम दसानी, क्या नाम है उनका, नाम पूरा क्लियर नहीं है मेरे को, संजय शायद, वो उनके यहाँ नौकरानी है छवि, इन तीनों की दम घुटने से मौत हुई है। क्योंकि कहीं से भी निकलने का रास्ता नहीं था, जो दरवाज़ा था वो भी लॉक था। किस तरीके से जानकारी है? अभी हमें सुबह जानकारी हुई, फ़ोन के माध्यम से जानकारी हुई, तो हम सभी मित्र हैं इनके, तो हम लोग सभी लोग पहुँचे हैं, तो उनका पोस्टमार्टम होने के लिए यहाँ पे आया हुआ है। पोस्टमार्टम होने जा रहा है सभी का, कि जिससे पता चल सके सच्चाई क्या है। इस वजह से पोस्टमार्टम परिवार ही चेहरा था। अब जो आगे हम आपको बताने जा रहे हैं, ये कोई हॉरर फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि दो अरबपति खानदानों की असली कहानी है। और ये कहानी शुरू हुई थी आज से ठीक 10 साल पहले। तारीख थी 27 जुलाई और साल था 2014। रात के करीब 11:30 बजे एक शादीशुदा लड़की की हत्या कर दी जाती है और उस हत्या को अंजाम दिया पार्ले जी बिस्किट कंपनी के फ्रेंचाइजी मालिक ओम प्रकाश श्याम दासानी के बेटे और उसके पति पीयूष और केसर पान मसाला गुटखा कारोबारी हरीश मखीजा की बेटी और पीयूष की गर्लफ्रेंड मनीषा ने। ऐसा कहा जाता है कि ज्योति की हत्या के बाद से इन दोनों ही घरानों में एक के बाद एक कई हादसे हुए। पहले पीयूष के पिता की कैंसर से मौत हुई, उसके बाद 14 सितंबर 2024 को मनीषा की मां की सड़क हादसे में मौत हो गई
और अब दिवाली के 31 और 1 तारीख के दरमियानी रात पीयूष के भाई संजय श्याम दासानी और भाभी कनिका श्याम दासानी और उनकी नौकरानी छवि चौहान की घर में लगी आग में जलकर के मौत हो गई। ये सभी हादसे एक के बाद एक घटे। गौर करने वाली बात यह है कि ये दोनों ही घराने एक दूसरे के पड़ोसी भी हैं। ज्योति की मौत के बाद दोनों अरबपति घरानों में हुए एक के बाद एक हादसे कोई संयोग है या कोई कर्मा, ये आप तय कीजिए और हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए एबीसी न्यूज़।